गया शहर के कुचाप में जदयू कार्यकर्ताओं के लिए मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह का उद्देश्य दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का जदयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराना था। साथ ही इस मिलन समारोह में जदयू पार्टी के हाथों को मजबूत करने और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः बिहार में सरकार बनाने का संकल्प भी लिया गया। इस संदर्भ में जदयू जिला अध्यक्ष अलेक्जेंडर खान ने बताया कि आज मेरा मन गदगद हो गया, क्योंकि दूसरे पार्टी से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जदयू परिवार से जुड़े, नए लोगों को जोड़ने से संगठन मजबूत हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि बिहार में एनडीए की गठबंधन 210 सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंचेगी। वहीं दूसरी तरफ चंद्रभूषण प्रसाद कुशवाहा ने कांग्रेस पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को 20 सालों तक अपने कार्यशैली से आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है, साथ ही पार्टी में कार्यकर्ताओं को भी सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार की जदयू पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मिलन समारोह रखा गया है जदयू का, और मैं लगभग 20 साल से कांग्रेस पार्टी में था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के विकास में मुझे अंदर तहे दिल से विश्वास पैदा हो गया, इसलिए मैं पूरे दल बल के साथ आज इस मंच पर बिहार प्रदेश और गया जिला के तमाम जदयू के पदाधिकारियों के बीच और हम अपने छोटे भाई अभय कुशवाहा के नेतृत्व में यहाँ हम अपना पद ग्रहण। गया ब्यूरो के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।